हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शहर। मैं कोशिश करूंगा ये वाली वीडियो हिंदी में बनाने की, ताकि सारे भाइयों के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए। कोशिश करूंगा, पक्का नहीं है तो मैं पंजाबी है, मैनू पता मेरी पंजाबी निकल जाती है, तो मैं पंजाबी में हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा। जो कल उपरासी हुई है सिटी वन प्लाजा में, जहाँ कलांग में, कजंग में, ईपो में, पिनांग में, बड़ी जगह पर हुई है, तो सबके दिल में ना एक खौफ सा बना हुआ है, डर सा बन गया है। माहौल और ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है दिन ब दिन कि भाई यार ये तो पकड़ रहे हैं हमको, तो उसके लिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है इतनी। ये चलती रहेगी उपरासी, 31 दिसंबर तक तो पूरा हाइप पे ही रहेगा काम। एक तो लड़कों को लड़कियों को काम ही नहीं मिल रहा मलेशिया में, सीधी सी बात है ना, और दूसरा ऑपरासी का सिस्टम चल रहा है अभी, तो इसके चक्कर में ना थोड़े से लोग घबरा चुके हैं, मलेशिया से फेड अप हो चुके हैं। तो भाई ये तो इनका काम है। देखिए, हर एक देश की, मैंने पहले वाली वीडियो में भी बोला था कि सफाई करने का तो हक बनता है, सब देश को बनता है। अपने देश वाले नहीं करते तो भाई हमारा कसूर है, इनका कसूर थोड़ी ना है। तो आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले तो इमरान खान की तरह घबराना नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि भाई अगर आपके पास रीहायरिंग हो चुकी है, अच्छा रीहायरिंग को मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, रीहायरिंग जो पिछली हुई आपकी अपने आप कैंसिल नहीं होगी। वो आपके बॉस ने अगर बोल दिया या आपके एजेंट ने बोल दिया कि वो पिछली तो अपने आप कैंसिल हो जाएगी, भूल जाओ, नहीं होगी, वो करवानी पड़ेगी, खुद करवानी पड़ेगी जाके, जहाँ आपके बॉस को, जहाँ आपके एजेंट को, किसी को भी वहाँ पर जाके क्लियर करवानी पड़ेगी। ओके, आगे वाले पॉइंट पर बात करते हैं। मान लीजिए, अभी हम उसका सोल्यूशन बताते हैं आपको ना, कि मान लीजिए पकड़े गए, तो उससे पहले या उसके बाद जो भी बात होगी वो एक वन बाय वन बताऊंगा मैं आपको, पूरी बातें कोशिश करूंगा मैं बताने की, ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग से स्ट्रेस कम हो जाए, रिलीज हो जाए। वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो यार, किसी ना किसी का फायदा हो जाता है। सबसे पहले तो आपके पास आपके बॉस का कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए। दूसरी बात, नहीं है तो आपके एजेंट का तो नंबर हो गई होगा, आपने कॉल करनी है, बताना है। नहीं फोन उठाया, मान लीजिए बंदा कहीं बिजी है, ड्राइविंग कर रहा है, खाना खा रहा है, वट एवर जो भी है, तो सबसे पहले भाई आपने उसको फोटो खींच के पानी है उसी जगह की, फोटो कि भाई ये हो गया कांड, और साथ में अपना, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का नंबर साथ में सेंड कर देना है। अपनी लाइव लोकेशन शेयर करने की कोशिश करना, और अगर नहीं फिर भी कोई रिस्पॉन्स आता आगे से, तो आपने वॉइस मैसेज डाल देना है कि भाई हमारे साथ ये घटना हो चुकी है, यहाँ पे इमिग्रेशन या पुलिस होगी, दिन हो या रात हो, खासतौर पे रात को जब आएगी तो भाई अगला बंदा कैसे फ़ोन उठाएगा ना, पंगा है। तो आपने क्या करना है, वॉइस मैसेज छोड़ देना है। तो जो वॉइस मैसेज आपका कभी भी सुनेगा, 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में, घंटे में, 2 दिन में, तो आपको, अगर आपका बंदा थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ तो आपको पूरी मदद करेगा। ओके, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, मान लीजिए आपके बंदे ने आपका मैसेज या फ़ोन नहीं उठाया, तो ये कितने दिन में आपका सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, छुटने छुटाने का या इंडिया भेजने का, वो उसका सीन ये होता है। सबसे पहले तो आपका सीन ये होगा कि 2 से 3 दिन में, पहली बात तो सेम डे क्लियर हो जाएगा, अगर आपके पास ओरिजिनल रीहायरिंग की स्लिप है तो। आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि सबको चेक नहीं करनी आती, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फेक है, वो खुद कर लेंगे। इमिग्रेशन वालों के पास सब कुछ होते हैं, यंत्र बंद वगैरह सब कुछ होते हैं, वो कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे। तो वो चेक करेंगे, आपको ओके लिखेंगे और बोलेंगे ठीक है भाई निकलो यहां से। पहला तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये हो गया कि आपको 14 दिन का रिमांड होता है, 14 दिन के अंदर अंदर आपका बॉस आएगा और आपको छुड़ा लेगा। मान लीजिए आपका बॉस भी नहीं आया, आपकी स्लिप भी फेक है, तो भाई फिर भी इतना दिमाग के ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना है। आप 20 साल के नहीं हो, आप 20 साल से ऊपर ही हो, जो भी हो मलेशिया में, यहाँ पे नीचे वालों को तो वर्क परमिट ही नहीं लगता ना। 3 महीने या 4 महीने की सजा होती है, कोई कंपाउंड नहीं होता। नीचे कमेंट में अब ये मत बोल देना, मतलब चलो बोलना तो बोल भी देना है, मेरे को कोई वो परवाह नहीं है कि भाई कंपाउंड भी देना पड़ता है, ये भी देना पड़ता है, वो भी देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है। अगर आपने सजा पूरी कर ली है तो कंपाउंड नहीं देना है, और अगर आपने सजा पूरी नहीं करनी है, कंपाउंड पे करो, जितनी देर के लिए आप ओवरस्टे थे निकल जाओ।
पड़ी दिमाग में। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। बहती गंगा में वो कैसे, मान लीजिए आप पकड़े गए, आपने मेरे को मैसेज किया, आपके घर वालों ने मेरे को मैसेज किया, कई एजेंट होते हैं ऐसे, तो वो क्या करते हैं आपके घर वालों से पैसे ऐंठ लेते हैं, हम निकाल देंगे जी। मान लीजिए आपके एजेंट ने रिहायरिंग करवा रखी है, ठीक है, आने जाने का खर्चा होता है, सेटिंग का मतलब थोड़ा मोटा अंडर टेबल चलता, सब कुछ होता है यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बेफालतू में ज़्यादा, अगर मान लीजिए आपके पास है तब तो भाई आप निकलने के आपके चांस हैं, घबराने की बात नहीं है, मर्दों पे भीड़ पड़ती है निकल जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इतनी कोई ज़्यादा सरदर्दी वाली बात नहीं है। कोशिश करो कि रीहायरिंग करवा के रखो, फिंगरप्रिंट चाहे महीने में हो, दो महीने में हो, तीन महीने में हो, वो कोई मैटर नहीं करता है, फिंगरप्रिंट हो ना हो, मेडिकल हो ना हो, स्टिकर हो ना हो, कोई मुश्किल नहीं है। जब आपने रीहायरिंग वाली स्लिप ले ली, क्योंकि वो फ्री में है, ये बात को ध्यान में रखिएगा, रीहायरिंग वाली स्लिप फ्री में है, अगर आपने किसी को देना है 1,000-500 वो जस्ट आपकी सिक्योरिटी है, वो तो चलो आगे चल के कट हो जाएंगे ना, तो वो आप जरूर करवा के रखिएगा। अच्छा यार, कई ना मेरे को दोस्तों जब मैसेज करते हैं तो मतलब ठा करके मैसेज करते रहते हैं भाई, कई बार मैसेज में या काम के चक्कर में हम नहीं रिप्लाई कर सकते, तो वॉइस मैसेज डाल दिया करो यार प्लीज। वॉइस मैसेज का सीन ये होता है कि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई बंदा कभी ना कभी तो आपको रिप्लाई करेगा ही करेगा, 5 मिनट में 10 मिनट में आधे घंटे में 2 घंटे में कभी तो करेगा। नॉर्मल कॉल करते हो, ठा से करते हो और फोन के ऊपर बैठ जाते हो चिपक के, भाई फोन उठाऊंगा, जब बंदे ने फोन ही साइलेंट कर रखा है, अभी मैंने फोन ये साइलेंट कर रखा है तो नहीं उठाऊंगा, साइड में पड़ा है, अब मैं शूटिंग कर रहा हूँ कैसे उठाऊंगा, अब मैं आपको बात कर रहा हूँ साथ में लग जाऊँ, हाँ भाई हेलो क्या हाल चाल है भाई, ये है वो है, तो अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए मेरे पास कोई लड़का लड़की बैठा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो भाई वो कैसे मैं उठा लूँगा ना। वीडियो को शेयर करने के लिए भाई एक ही ऑप्शन है, नीचे शेयर के बटन में जाके इसको अपने स्टेटस के ऊपर लगा लो, व्हाट्सअप के ऊपर, फेसबुक में शेयर करो, कहीं भी करो, आपकी मर्जी है, दूसरों का फायदा ही होगा किसी न किसी। चलिए मान लीजिए ये वीडियो आपके लिए नहीं अच्छी होगी, कोई और वीडियो अच्छी होगी, और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि भाई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर किसी नए कंटेंट में, नए टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।